वाल्मीकि समाज की बेटियों के साथ हो रहे दुराचार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्म व अत्याचार जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सिविल लाइन के जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वह ज्ञापन डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि प्रदेश में आए दिन वाल्मीकि समाज की बेटियों के साथ दुष्कर्म अत्याचार जैसी घटनाएं हो रही है। प्रदेश सरकार से मांग है कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जाए और साथ ही ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की कि मथुरा में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की घटना में पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। क्या प्रोटेस्ट आप करो? आज हमारा बहुत ही निंदा के साथ, बहुत ही असहनीय अपने आप को महसूस करते हुए सरकार ने बता रहा है कि हाथस मंडल के अंदर ये दूसरी घटना हुई है। शायद आपको पता होगा कि घटना जो कि नेशनल न्यूज बन चुकी थी, नेशनल कांड बन चुका था, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ बलात्कार से हत्या कर दी गई थी और सरकार ने उसको ये बात नहीं माना था। सीबीआई ने इसकी जांच कर उसको आरोप सिद्ध करा। इसी के बाद हाथस के बगल के अंदर जनपद मथुरा के अंदर थाना मार्ट के अंदर बरसा पुत्री लीला वाल्मीकि थाना मार्ट जिला मथुरा के साथ बलात्कार किया और बलात्कार सिद्ध हो गया, रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन आरोपी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हमारी समझ में यह नहीं आता कि ऐसे अपराध वाल्मीकि समाज, दलित समाज के साथ क्यों हो रहा है। क्या सरकार की सोच समझी साजिश है? क्या मुख्यमंत्री दावा करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है? अगर कानून का यही राज है तो मुख्यमंत्री से पूछ सकते, बताना चाहता हूँ, तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्या अगर कानून का राज यही होता है जहाँ पर बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़ बलात्कार कर दिया, हत्या कर दी जाती है, अगर ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश चलेगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दे। और साथ ही एक मांग करता हूँ, अगर इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया, सजा दिलवाई नहीं गई और पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिया गया तो वाल्मीकि समाज पुनः आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। पूरे प्रदेश का वाल्मीकि समाज सड़कों पर होगा।